दोस्तों, आजकल कुछ लोगों की वजह से रिश्ते इस कदर शर्मसार हो गए हैं कि लोगों को किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं होता है। चाहे वो रिश्ता बाप बेटी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे रिश्ता चाचा भतीजी का रिश्ता हो। दोस्तों, आज की कहानी में एक चाचा अपनी ही सगी भतीजी से प्यार कर बैठता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेता है, लेकिन उससे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर उसके घर वालों को और समाज को इस तरह की बात की खबर लगेगी तो उसके लिए कितना बुरा हो सकता है। उसने जिस तरह से एक पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है, दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो है दिल्ली की है, दिल्ली के भजनपुर के उत्तरी गोड कॉलोनी की। दोस्तों, एक दिन पुलिस को लगभग शाम के 4 बजे एक कॉल आती है और कॉल पर एक लड़का होता है और वह कहता है कि सर, मैंने 2 लोगों का मर्डर कर दिया है, आप फलाने एड्रेस पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। दोस्तों, वह लड़का कहता है कि सर, मेरा नाम कुद्दूस है, आ जाइए, मैं वहीं पर हूँ, मैंने 2 लोगों का मर्डर कर दिया है और मैं खुद को सरेंडर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं एक पल के लिए तो यह मानते हैं कि यह कोई उससे मजाक कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले फिर से इसको सीरियस ले लेते हैं और फिर से पूरी तरह से डिटेल से एड्रेस ले लेते हैं। फिर पुलिस वाले पहुँचते हैं उस पते पर। उस पते पर पहुँच कर आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई कुसूद नाम का लड़का रहता है, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि जी साहब, 5 नंबर कॉलोनी में 5वीं मंजिल पर रहता है। दोस्तों, पुलिस वाले जाते हैं उस कॉलोनी में और 5वीं मंजिल पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बेल बजाते हैं और अंदर से दरवाज़ा खुलता है और फिर कमरे में जाते हैं पुलिस वाले। दोस्तों, जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, पुलिस वाले एकदम से चौंक जाते हैं। एकदम से उनके दिमाग में यह बात आ नहीं सकती थी कि इस कदर से मर्डर हो चुका है। जो कमरा होता है, कमरे के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई होती हैं और उनका सर धड़ से अलग होता है और पूरा जो कमरा होता है खून से रंगा हुआ होता है। पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। और दोस्तों, उस कमरे में 4 लोग होते हैं, 2 डेड बॉडी पड़ी हुई होती हैं और 2 लोग जिंदा होते हैं। जो लड़का कॉल किया था, उस लड़के का नाम कुद्दूस होता है और एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। उस आदमी का नाम साहिल होता है। साहिल जो होता है वह कुद्दूस का पिता होता है। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं डेड बॉडी को ले जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उन दोनों को थाने ले जाते हैं। उन दोनों को थाने ले जाकर उनसे विस्तार पूर्वक पूछा जाता है, आखिरकार तुम दोनों ने मर्डर क्यों किया है। दोस्तों, जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया है, दोस्तों जो साहिल और कुद्दूस होता है, उन दोनों के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता है, जरा सा भी पछतावा नहीं होता है। और जो कुद्दूस होता है वह पूरी कहानी बताता है। वह पिछले 6 साल पहले की बात बताने लगता है और कहता है, दरअसल जो कुद्दूस होता है और उसके जो पिता होते हैं मोहम्मद साहिल, वो लोग रहने वाले होते हैं बुलंदशहर के, वो लोग वहीं के निवासी होते हैं और वहीं पर रहते हैं। उन लोगों का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। मोहम्मद साहिल होते हैं कुद्दूस के जो पिता होते हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा होता है, हर चीज़ अच्छे से चल रहा होता है घर में। मोहम्मद साहिल जो होते हैं उनकी बीवी होती है, उनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक का नाम कुद्दूस होता है और जो लड़की होती है उसका नाम सायरा होता है। हैप्पी फैमिली होती है, हर चीज़ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उनकी फैमिली को किसी की नज़र लग जाती है और मोहम्मद साहिल की बीवी जो होती है, यानी कुद्दूस की जो माँ होती है, अचानक से एक दिन बीमार पड़ जाती है और फिर उसका इलाज चलता है लेकिन वह ठीक नहीं होती है। बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी वह बचती नहीं है, उसका देहांत हो जाता है। मौत के बाद बहुत सारा कर्जा भी हो जाता है और जो मोहम्मद साहिल होते हैं वह डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका बिजनेस भी पूरी तरह से डूब जाता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह करें तो क्या करें। तो ऐसे ही एक दिन मोहम्मद साहिल अपने चचेरे भाई दानिश से बात करते हैं और उससे राय मशवरा लेते हैं और कहते हैं कि चलो हम दोनों चलते हैं दिल्ली, वहीं पर जाकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उसका भाई होता है दानिश, वह कहता है अपने भैया से, ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलिए हम दोनों मिलकर दिल्ली में कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिपिंग में ही। दोस्तों, जो मोहम्मद साहिल होते हैं इस बात के लिए मान जाते हैं और फिर अपने चचेरे भाई दानिश के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ वो लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली जाकर वो लोग एक रूम किराए पर लेते हैं और फिर उसके बाद जो साहिल होता है वह एक फल का बिजनेस शुरू कर देता है अपने चचेरे भाई दानिश के साथ मिलकर। दोस्तों, जो दानिश होता है वह पहले से ही शादीशुदा होता है, उसका भी परिवार होता है। उनका जो परिवार होता है वह बुलंदशहर में ही छोड़कर आए हुए होते हैं, बस घर पे वह खर्चा भेज दिया करता था और उनका घर भी अच्छे से चल रहा होता है तो दोनों परिवार के भरण पोषण अच्छे से होने लगती है।
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और जो मोहम्मद साहिल होते हैं उनके घर में भी उनकी जो बिटिया होती है सायरा, वह घर संभाल लेती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करती है। लेकिन दोस्तों, जो सायरा के चाचा होते हैं दानिश, उनकी नज़र सायरा के प्रति बिगड़ चुकी हुई होती है। वे सायरा को मन ही मन प्यार करने लगते हैं और सायरा की हर एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वह उसको ला कर देते थे। अपने पापा से वह किसी महंगी चीज़ की वह डिमांड करती थी तो वह नहीं ला कर देते थे, तो उसको जो चाचा होते हैं दानिश, वह उसको ला कर दिया करते थे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और फिर इन दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो जाता है। और जो सायरा होती है वह भी अपने चाचा से बेइंतहा प्यार करने लगती है। और धीरे धीरे जब भी इन दोनों को मौका मिलता है, जब घर में कोई नहीं होता है, यह दोनों आपस में संबंध भी बनाया करते थे। और दोस्तों, एक बार जब दोनों के बीच में संबंध बन जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा होता है, इन दोनों के बीच में ऐसा हमेशा चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि 100 दिन सुनार के एक दिन लोहार के, 100 दिन की चोरी एक दिन ही पकड़ी जाती है। और दोस्तों, एक दिन सायरा के पिता मोहम्मद साहिल अपनी दुकान पर अपने बेटे कुदूस को रख कर दोपहर के वक्त घर आ जाते हैं किसी काम। लेकिन सायरा को इस बात की खबर नहीं होती है कि उसके पिता घर आ रहे हैं, क्योंकि वह अचानक से आते हैं। दोस्तों, सायरा और उसके चाचा दानिश को सायरा के पिता साहिल रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो मोहम्मद साहिल होते हैं अपने चचेरे भाई को डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि मेरे घर से दफा हो जाओ। तो वह कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुमने इतना गंदा काम किया है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने एक रिश्ते को किस तरह से शर्मसार कर दिया है। भतीजे और चाचा का रिश्ता क्या होता है तुम्हें अच्छे से जानते हो, एक बाप और बेटे के रिश्ते की तरह होता है, तुमने इस रिश्ते को शर्मसार ही कर दिया है। उसको 2-3 थप्पड़ लगाते हैं और अपने घर से उसको धक्के मारकर निकाल देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो सायरा के पिता मोहम्मद साहिल होते हैं, वह अपनी बेटी को भी 2-3 थप्पड़ मारते हैं और उसे समझाता है कि आइंदा तुमने इस तरह की हरकत की तो तुम्हारा सर धड़ते अलग कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद भी सायरा की जो हरकतें होती हैं वह उससे बाज नहीं आती है। उसका चाचा उसके घर पर आना बंद कर देता है, लेकिन दोनों की कॉल पर बातें होती रहती हैं। और यह सब ड्रामा देखकर जो उसके सायरा के पिता होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं, और उसके भाई को भी यह सब बात पता चल जाती है, वह भी काफ़ी गुस्सा होता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। सायरा और उसके चाचा दानिश आपस में बाहर ही एक दूसरे से मिला करते हैं, घुमा फिरा करते हैं, और वह दोनों होटल में जाकर एक दूसरे से संबंध भी बनाया करते थे। लेकिन इस बात की जो खबर होती है उसके पिता को होती है, लेकिन वह कुछ कहते नहीं हैं। एक दिन गुस्से में आकर सायरा को बहुत मारते हैं और अपने चचेरे भाई दानिश को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो दानिश होता है वह उसके घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद कमरे में जाता है। कमरे में सायरा भी होती है, उसके पिता भी होते हैं और उनका बेटा कुदूस भी होता है। उन चारों के बीच में बात होती है, बहुत सारी बहस भी होती है। उसके बाद सायरा चली जाती है किचन में काम करने के लिए। इधर जो दानिश होता है, दानिश की बहस इस कदर बढ़ जाती है कि उसके भाई से उसकी हाथापाई हो जाती है। दोस्तों, जब सायरा के पिता और उसके चाचा के बीच झगड़ा हो रहा होता है, सायरा आवाज़ को सुन लेती है और दौड़कर उस कमरे में आ जाती है। जो सायरा के पिता होते हैं सायरा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद वह फिर उस कमरे में आते हैं और घर में एक तेज़ धार हथियार रखा हुआ होता है। सायरा के पिता उस हथियार को उठाते हैं और उसी हथियार से दानिश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। दोस्तों, गुस्से में आकर के वो ऐसा कांड कर देते हैं। उसके बाद अपने बेटे कुदूस से कहते हैं कि बेटा, हमने तो इसका काम तमाम कर दिया है, लेकिन अगर सायरा जिंदा रहेगी तो हम लोगों का जीना दुश्वार कर देगी। मर्डर तो हो ही गया है और वैसे भी हम लोग कहीं पर भी भागकर चले जाएंगे, पुलिस हम लोगों को पकड़ ही लेगी, तो ऐसा करते हैं हम दोनों अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उससे पहले सायरा को भी ख़त्म करना होगा। दोस्तों, उसके बाद सायरा को उस कमरे में लेकर आते हैं और सायरा का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। कुदूस के पिता दोस्तों जब दोनों का मर्डर कर देते हैं, उसके बाद कुदूस फ़ोन करता है थाने में और पुलिस वालों से कहता है कि मैंने 2 लोगों का मर्डर कर दिया है, आप इस एड्रेस पर आ जाइए। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है मौके पर और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, इस तरह की घटना हर रोज़ हमारे समाज में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।